न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। इंडेक्स से गुजरात गांधीनगर से क्या बताना चाहेंगे आज जो एग्जीबिशन के बारे में? ये गुजरात हैंडीक्राफ्ट उत्सव जो है वो 2 तारीख से लेके और 10 जुलाई तक जो है वो हमने गुजरात इंडेक्सी की ओर से जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे 90 आर्टिज़न के लिए पूरा हमने प्लानिंग किया है। ये हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए जो आर्टिज़न जो हमारे हैं कि जो पूरे साल अपना जो हाथ से बनाया हुआ जो सामान जो बनाते हैं उसके लिए हम मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जो मुहैया करवाने के लिए जो है ये हमने ये मेला यहाँ पर लगाया हुआ है। तो इसके अंदर हमारे बहुत सारे आर्टिज़न जो है वो कच्छ, अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, जूनागढ़, पोरबंदर सभी जगह से यहाँ पे वो आए हुए हैं और अपना जो हर एक जो है वो खुद का बनाया हुआ सामान लेके आए हैं और ये यहाँ पे मैसूर JSS अर्बन हार्ट के अंदर यहाँ पे ये जो है ये 9 दिन का जो है वो ये यहाँ पे ये मेला लगेगा। उद्घाटन कब हुआ सर? उद्घाटन आज 2 तारीख को शाम को 4 बजे जो है वो यहाँ पे किया है। हम ये मैसूर की जनता से ये निवेदन करेंगे, केवी न्यूज़ के माध्यम से हम ये निवेदन करेंगे कि मैसूर की जनता यहाँ पे आए और हमारे जो ये हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए जो छोटे छोटे जो आर्टिज़न वो गांव कस्बों से जो दूर दूर से यहाँ पे वो जो उनका खुद का हाथ का बनाया हुआ सामान लेके यहाँ पे आए तो उनसे डायरेक्ट सीधा जो खरीदी करने का जो है अवसर जो है वो आपको मिलेगा। तो जिसके कारण जो आप जो है ग्राहक जो है उनको भी फ़ायदा होगा और हमारे जो ये छोटे जो आर्टिज़न जो है उनको जो उनको भी फ़ायदा होगा। तो दोनों के फ़ायदे के लिए जो है आप यहाँ पे आइए और ये जो है ये हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का जो चीज़ जो है इससे इसकी ख़रीदारी करें। दाम कैसे रहेंगे? दाम यहाँ पे लेके 50 रुपये से लेके जो है 16,000-20,000 तक का भी सामान मिलेगा। तो जहाँ पे हर जो रेंज का है छोटे जो आदमी है उनके लिए भी है और बड़े जो लोग जो है हाई रेंज वाले उनके लोग उनके लिए भी यहाँ पे सभी प्रकार की जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की चीज़ है तो यहाँ पे सब लोग जो है यहाँ पे आनंद उठा सकते हैं। ये जो मेले के अंदर हमने ये मेला प्रदर्शनी के अंदर हमने 3 दिन जो है 2, 3 और 4 तारीख के अंदर शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक गुजराती रास गरबे का जो यहाँ पे प्लानिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे गुजरात के जो 50 जितने जो है वो गरबा कलाकार यहाँ पे आए हुए तो यहाँ पे वो स्टेज परफॉर्मेंस करेंगे। वो स्टेज परफॉर्मेंस के बाद मैसूर के जो आम लोग जो भी है वो भी ये गरबा के अंदर जुड़ के उसका भी मज़ा ले सकते हैं और बच्चों के साथ यहाँ पे आए तो भी अच्छा लगेगा उनको क्योंकि हमने यहाँ पे बच्चों के लिए भी पपेट शो और कच्ची गुड़ी का भी यहाँ पे प्लानिंग किया हुआ है। तो बच्चे भी आएंगे तो कच्ची गुड़ी देख के वो पपेट का भी जो है उसका भी वो आनंद उठा सकेंगे। केवी न्यूज़ की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। केवी न्यूज़ को बात करने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच केवी न्यूज़। ದುಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಜೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ 2003 2021 ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಇದುವರೆಗೂ 126 ಒಂದು ಇತರ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಗುಜರಾತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಒಂದು ಏನಮ್ಮ ಇದು ಒಂದು 7ನೇ ಸಲ ಇದು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಒಂದು ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 8-10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ವಹಿವಾಟು ಆಗ್ತಿರೋದು, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ವಹಿವಾಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಬಲ ಇವತ್ತು ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟಾಲ್ನಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ DC ಅವರು CEO ಅವರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಬೆಲೆ 7,000-8,000-10,000 ಇದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಓ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿದೆ, ಇದು ಬಹಳ ಜನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಒಂದು ಈ ಕುಶಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕರ್ಮಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೆಲಸಗಾರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಂತೂ ಎಂಥ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ನಾವು 8,500 ಜನ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲನೂ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾಗ ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಏನು ಒಂದು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋ ಪುಗ್ನಲ್ಲಿ 35 ಲಕ್ಷ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಜನತೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ
ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಕತ್ತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೀತಾ ಇದೆ ಈ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿಗರು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು ಗುಜರಾತಿನ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾದರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಇದು ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅರ್ಪನಾಥ್ ಅವರು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ दिन अलग अलग कॉस्ट्यूम में अलग अलग जो गुजरात का ट्रेडिशन है वो प्रदर्शित करेंगे। तो आपका सफर यहाँ के बाद कहाँ रहेगा? यहाँ के बाद फिर जाएगा रिटर्न गुजरात रिटर्न जाएंगे। हाँ। तो आप सिर्फ यहाँ मैसूर पे ऐसे आके करते हो या अलग अलग नहीं ये गुजरात का टॉप कॉम्पिटिटर ग्रुप है गरबा का। लास्ट अभी हमें अगले महीने पिछले महीने कॉम्पिटिशन हुआ उसमें फर्स्ट नंबर जो गुजरात का ट्रेडिशन गरबा डांस ये फर्स्ट नंबर का ग्रुप है लेडीज का। कितने लोग हैं आपके टीम में? 20 टोटल 17 लेडीज 3 सहायक। थैंक यू सर। Thank you.